नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम करते हैं पेपर कोड 956। ये प्रीवियस ईयर पेपर है, 2017 टायर वन में आया था। ये पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट है और आपको ये क्वेश्चन पेपर 25 मिनट में सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन, ए फ्रैक्शन बिकम 6/5 व्हेन 5 इज एडेड टू इट्स न्यूमरेटर एंड बिकम 1/2 व्हेन 4 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन? क्या बोला गया है? इस तरह के क्वेश्चन आपको हमेशा ऑप्शन से करने चाहिए कि ऐसे है कि 5 डिनोमिनेटर में जोड़ा जाता है तो 6/5 बन जाता है। देखो, 5 में अगर इसमें जोड़ूं तो क्या 6/5 बन रहा है? नहीं बन रहा। इसमें जोड़ूं तो 12/10, इसका मतलब 6/5 बन रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा और देख लेते हैं, 1/2 बन जाता है अगर 4 जोड़ा जाता है डिनोमिनेटर में। तो 4 जोड़ा जाता है डिनोमिनेटर में तो 7/14 हो जाएगा। 7/14 मतलब 1/2, तो ये प्रूव हो गया। आंसर क्या हुआ? बी। इस तरह क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना चाहिए, पेन भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमित कैन कंप्लीट ए वर्क इन 25 डेज। पुनीत है, वो 20 दिन में उस काम को कर देता है। अगर पुनीत 10 दिन अकेले काम करता है पहले और काम फिर उसके बाद छोड़ देता है, तो बताओ अमित है बाकी का बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा? तो अमित करता है 25 दिन में, पुनीत करता है वो करता है 20 दिन में। मान लो टोटल काम 100 यूनिट ले लेते हैं तो एक दिन का काम कितना हुआ? 4 यूनिट। 100/25 4 यूनिट, 100/20 कितना? 5 यूनिट पुनीत का। लेकिन पुनीत 10 दिन काम करता है पहले, तो 50 यूनिट काम तो यही हो गया। बाकी कितना बच गया? 50 यूनिट बच गया जो कि अमित करेगा। तो अमित कितने दिन में कर देगा? 25/2 दिन में कर देगा। तो आंसर क्या हुआ? बी। अगर किसी को स्पीड ज्यादा तेज लग रही है तो हमेशा राइट साइड में जो बटन होता है सेटिंग का, उस पर आप स्लो कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं। अगर किसी को स्लो लग रही है तेज कर सकते हैं, या आपको समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन पॉज करके भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ फोर सक्सेसिव एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 7:11 क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? देखो, 11:7:18 11:7:18 36। तो इसका मतलब क्या है? 36x = 360। तो x की वैल्यू 10। इसका मतलब क्या है कि ये 70 होगा, ये 110 होगा, ये 70 होगा और 110 होगा। तो ये कौन सी ट्रेंगल बनेगी, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा? ये देखिए, ये अगर ये 70 होगा, ये 110 होगा, ये फिर 70 होगा, तो ये 110 होगा। कौन सी हुई है? पैरेललोग्राम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर्ड ऑन ए बुक हैविंग मार्क प्राइस इतना तो और सोल्ड किया जाता है इतना? बहुत आसान क्वेश्चन है, 1892। तो 10 में से 2 गए 8, 14 में से 9 गए 5 और 10 में से 8 गए 2। अगर आसान है तो स्टूडेंट की ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। दिक्कत क्या आ जाती है कि जब ये 60 मिनट का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन करने होते हैं, स्टूडेंट ज्यादातर करते हैं मैथ आखिर में, पहले रीजनिंग है, जीके है, इंग्लिश है, वो करते हैं और सिर्फ 10 मिनट बचते हैं, सारे साल तैयारी करते हैं। तो 10 मिनट में कई बार तो ये होता है मुश्किल क्वेश्चन में टक्कर खड़ा हो जाते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन जो कि वो कर सकता था उस तक तो पहुंचा ही नहीं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो 100 क्वेश्चन है उस कम से कम जो आ रहे हैं आसान है वो जरूर कर लें। तो इसमें कितना होगा, कितनी छूट हुई? 2150 × 100। तो कितना हुआ? ये चला जाएगा 25 से, 25 × 100 25 × 200 और 25 × 150। 3 से चला जाएगा, 4 × 3 = 12 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55, दिया हुआ 60,500 इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी सच दैट ए रिसीव 2/9 एज मच एज बी एंड सी टुगेदर एंड बी रिसीव 3/7 ऑफ एज मच ए एंड सी टुगेदर। व्हाट इज द शेयर ऑफ सी? क्या दिया हुआ है? 60,500 अमाउंट है, ए बी सी को मिलनी है ये, मतलब ए प्लस बी प्लस सी है वो 60,500 है, ये एक चीज दी हुई है। फिर क्या बोला है कि ए है वो उसको मिलता है 2/9 किसका? बी और सी का। मतलब क्या हुआ इसका कि बी और सी किसके बराबर है? 9/2 ए के बराबर हो जाएगा, 9/2 ए के बराबर होगा, इस साइड ले गया। तो अगर मैं बी 9/2 यहां पे लिख दूं ए, तो ये कितना? ए और प्लस 4.5 ए, तो 5.5 ए हुआ, मतलब 11/2 ए इज इक्वल टू किसके बराबर है? 60,500। तो कितना हो जाएगा? 11/55 11/5 ये हो जाएगा 11,000। ए की वैल्यू आ जाएगी 11,000। तो ए तो 11,000 होगा, बी और निकालना पड़ेगा। बी कैसे निकालेंगे? दिया हुआ है कि बी किसके बराबर है? बी है 3/7 ए और सी को दोनों को मिलाकर। तो ए प्लस सी कितना किसके बराबर हुआ? 7b/3 के बराबर हुआ। अगर मैं यहाँ पे 7b/3 कर दूँ तो क्या हो जाएगा? 7b/3 और प्लस b, ये किसके बराबर हो जाएगा? 60,500 के बराबर हो जाएगा।
तो कितना हो जाएगा, 10B बटे में 3 4,500, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी 3×5 15 और 3×6 18, 18,150, 18,150, ये 11,000, ये तो कितना हुआ 29,150, 29,150 माइनस कर देंगे सी की वैल्यू आ जाएगी, तो ये कितना जाएगा 350 किसके आखिर में, इसी की और करने की जरूरत नहीं है, करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, 31,000 आ जाएगा 350। अगला क्वेश्चन है कि 56 का एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ 6 गर्ल इज एक्स ईयर, फोर न्यू गर्ल्स हैविंग एज इज एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 6 ज्वाइन द क्लास, व्हाट इज द न्यू एवरेज एज ऑफ द क्लास। चार गर्ल्स, 6 तो पहले थी और 4 नहीं आई, तो टोटल कितनी हो गई 10 हो गई, 6 पहले एवरेज थी एक्स और 6 गर्ल्स, तो टोटल कितनी होगी एज 6x, अब 4 नहीं आ जाती है, तो एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 6, ये सभी की एज हो जाती है 10 गर्ल्स की, तो 6 और 1 7 8 9 10, 10 तो एक्स हो गए, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल, 4 और 6 10, 10 ये आ गया बटे में 10, तो ये किसके बराबर हो जाएगा एक्स प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 57, ए डीलर सेल्स टू मशीन एट 12,000 रुपीज ईच, एक पे उसको 32% का डिस्काउंट गेन मिलता है, मतलब प्रॉफिट मिलता है, दूसरे पे लॉस मिलता है, बताओ टोटल सौदे में कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस होगा। तो इस तरह क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है, तो देखो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, या तो ये होगा या ये होगा। अब देखो आगे सक्सेसिव परसेंटेज से देख सकते हो, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स बाई 100, ये आप ये टेक्निक लगा सकते हैं। अब ये दोनों तो सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो एक्स एक्स हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो या इसको आप ए स्क्वायर बटे 100 भी कर सकते हो, और ये हमेशा लॉस होता है, 32×32 बटे में 100, तो ये कितना होता है 1024 बटे में 100, ये आ गया 10.24% लॉस हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डी इसका आंसर होगा, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडिड टू 80 लीटर सॉल्यूशन ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेनिंग 10% मिल्क सो दैट इट बिकम 5% मिल्क सॉल्यूशन। देखो 10% था वो 80 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब 80 लीटर में 10% के हिसाब से आ रहा था, 10% क्या है मिल्क है, और अगर 10% मिल्क दोनों में कांस्टेंट रहता है, तो इसका मतलब 5% होगा, तो ये किसका हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा क्या सॉल्यूशन टोटल वाटर प्लस मिल्क, तो 160 हो जाएगा, तो इसका मतलब 80 लीटर और जोड़ा, क्योंकि देखो 80 लीटर 160 का 5% कितना होता है 16×80, मतलब कि 8 लीटर हुआ, और 80 का 10% कितना होता है 8 लीटर, तो 8 लीटर दूध सेम रहता है, पानी डलता है, तो 10% है 80 के बराबर, 5% 160 के बराबर हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो आंसर क्या हुआ 80 लीटर पानी और डाला जाता है, पूछा है कितना पानी और डाला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए बस ट्रेवल 2/5 ऑफ टोटल जर्नी एट इट्स यूजुअल स्पीड, रिमेनिंग डिस्टेंस वाज कवर्ड बाय बस एट 6/7 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, ड्यू टू स्लो स्पीड इट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन 50 मिनट्स लेट, इफ टोटल डिस्टेंस इज 200 किलोमीटर then what is the usual speed of bus, बस की usual speed हमें बतानी है। देखो 200 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, और 2/5 कितना हुआ 200 का, ये हुआ 80 उसने तय किया है usual speed से, बाकी कितनी बच गई 200 में से 80 का 120 बच गई। अब 120 को वो अगर क्वेश्चन आगे बन जाता है, फिर एक नया क्वेश्चन बन गया है, 120 को अगर वो usual speed से तय करता है, usual speed मान लो s है, उसमें तय करता है जितना टाइम लगता है उसकी तुलना में, अगर वो 6/7 मतलब उसी दूरी को उस यूजुअल स्पीड की 6/7 6/7s, तो मैं यहाँ पे ऊपर ले जाता हूँ, अगर इससे तय करता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, जो टाइम लगता है वो इसमें ज्यादा लगेगा, कितना ज्यादा लगेगा वो लगेगा 50 मिनट ज्यादा, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस कितना होगा 50 मिनट, 50/100 घंटा हो जाएगा, तो मैं 5/6 लिख देता हूँ, और इन दोनों का डिफरेंस है ये 6/7 और ये क्या है 7 है, यहाँ पे 6/7 था, तो कितना हो जाएगा ये 20/140, तो 20/s इज इक्वल टू 5/6, दूसरे शब्दों में s है वो 24 आ जाएगा, मतलब 24 की वो यूजुअल स्पीड थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर एन अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम फॉर 6 ईयर इज 25,920, what will be the compound interest on same amount at the rate of interest of 8% per annum compounded annually for 2 years? तो क्या है कि अमाउंट हमें पहले, अमाउंट का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल से मतलब है कि वो
हमें निकाल सकते हैं क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो क्या होता है, प्रिंसिपल निकालेंगे एस आई इंटू 100 डिवाइड बाई टाइम इंटू रेट, तो 25920 इंटू 100 डिवाइड बाई 12% और 6 साल में, ये क्या आ जाए, प्रिंसिपल आ जाएगा। आपको कैलकुलेट अभी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, इससे आपका आसान हो जाएगा आगे। अब इस पे प्रिंसिपल पे देखो, 100 रुपये पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 8 8 16 16.64 सक्सेसिव परसेंटेज हमने निकाल दिया। तो इस पे कितना होगा, 6.64 डिवाइड बाई 100, डेसिमल की जगह इसको कर दीजिए, ये इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और 12 से ये चला जाएगा तो कितना, 12 2 24 1 12 72, 6 से जाएगा तो 6 3 18 3 6 36 और 0 से ये 0 ये काट दो क्योंकि ये 100 है, 0 0 काट दो 36 और इसकी गुना करनी है। यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 और 4 6 24, तो 2 में इसका ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो या तो ये होगा या ये होगा। अब जब इस तरह की सिचुएशन आए तो आप 1664 और 36 की 2 डिजिट की गुना कर लो, पहले 6 4 24 6 36 38 312, तो इसका मतलब दूसरा डिजिट कितना होगा, 0 होगा। तो 0 किस में, इसमें, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ स्मार्टनेस आनी चाहिए जिससे कैलकुलेशन फास्ट हो, पूरी कैलकुलेशन करने की कभी जरूरत नहीं होती, अप्रोक्सीमेट लिया जा सकते हैं। अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन, इसके जो इक्वेशन दी हुई है इसके 2 रूट है, रूट कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, और इसका बताना है फिर हमें इस फॉर्मेट इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x² माइनस 14 42, 7x माइनस 6x और प्लस 14 = 0, क्योंकि 7 6 42 होगा, माइनस 7 और माइनस 6x कितना होगा, माइनस 13x, और इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 42 प्लस के। तो 3 अगर x में कॉमन लूँ तो क्या हो जाएगा, 3x - 7, और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लूँ तो 3x और माइनस 7 हो जाएगा। दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि 2 ये फैक्टर बन गए, तो कितना हुआ, x की वैल्यू 2 हो जाएगी और x की वैल्यू दूसरी कितनी हो जाएगी, 7/3। तो एक तो है रूट 2 और दूसरा है 7/3। अब मैं लिखता हूँ 2 7/3 इस फॉर्मेट में लिख दिया, और दूसरे को, दूसरा क्या है 7/3 और भाग में क्या है 2, तो कितना हुआ 6/7 और 7/6, इसका जोड़ कितना ये पूछा है, तो 36 और 49 क्या हो जाएगा, 85/42 डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी सी 9 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 18 है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो या तो ऑप्शन से निकाल लीजिए और या फिर आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार यूज होता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये है क्या, क्योंकि ये बार बार यूज होता है, आपको आना चाहिए। इसके बराबर होता है ये ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, अगर मैंने माइनस का कर दिया तो इसलिए प्लस हो जाएगा वरना माइनस का हो गए। अब हम देखते हैं ये कैसे बनेगा, ए बी सी ये तो दिया हुआ है 9, चलो 9 तो लिख दिया, अब इसको कैसे निकालेंगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, इसको अगर मैं स्क्वेयर कर दूं दोनों साइड में तो क्या बनेगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर और प्लस 2ab प्लस बी सी और प्लस सी ए, और ये क्या हो जाएगा 81। यहाँ पे ये दिया हुआ 18, तो 18 2 36 36 और इसमें से माइनस करेंगे इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 36 माइनस करेंगे तो 45 हो जाएगा, 81 - 36 45। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर है, इसकी वैल्यू 45 आ गई, तो ये आ गई 45 और माइनस 18 क्योंकि ये 18 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 27 और 9 243, इसका आंसर क्या होगा, बी। अब तो अगर आप ऑप्शन से रखना चाहते हैं, मतलब वैल्यू पुट करके करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे मान लो 0 कर लेते हैं सी को, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। अब ये देखिए कि 4 6 और 3, अगर मैं रखता हूँ 6 + 3 तो 6 3 18, तो ये इसका मतलब ए की वैल्यू 6 रखी जा सकती है, बी की रखी जा सकती है 3 और सी की 0, तो कितना हो जाएगा 6 की पावर 3 216, 2 3 की पावर 3 27 और बाकी ये 0 और ये 0, तो कितना हो जाएगा 243, 216 और 27 का जोड़। अगला क्वेश्चन है, इफ एक्स बाय वाई और वाई बाय एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये क्वेश्चन तो आप देख कर निशान मार सकते हैं कि इस तरह की वैल्यू में 0 होगा, क्यों होगा 0, देखो एक्स प्लस वाई ये किसके बराबर होगा, ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और माइनस एक्स वाई, और यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो यही बन रहा है ये वाला पोर्शन, एक्स बाय वाई और वाई बाय एक्स इज इक्वल टू 1, एलसीएम लीजिए एक्स वाई, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स वाई आ गया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई बाय 0, तो अगर ये 0 है तो इसका मतलब सारा 0 हो जाएगा ये,
आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर होगा। तो इस तरह की आपको तेजी लाने की जरूरत है इसमें, क्योंकि तो कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। 25 में से 7-8 क्वेश्चन आते हैं कम से कम, वो जरूर बिना कैलकुलेशन के आप कर पाएंगे। दो चार क्वेश्चन मुश्किल होते हैं। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू बतानी है हमें। तो क्या है ये, पहले तो इसको देख लेते हैं, ये किसके बराबर होगा। देखो ये वन, ये मैं आपको बता देता हूँ वरना आपको वैसे भी पता होना चाहिए, देख कर ही जेड एक्स एक्स वाई जेड आप इसको लिख सकते हैं पूरा को, या इस फॉर्मेट में लिख दीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई यहाँ से हो जाएगा, वाई जेड ये कट गया और जेड एक्स ये कट गया, तो ये क्या आ जाता है, 1/x और 1/y और 1/z। हमें इसकी वैल्यू बतानी है इनफैक्ट। तो कैसे बताएंगे, इस तरह क्वेश्चन आता है कई बार। तो ये देखिए 5x, इसको हम k के बराबर मान लेते हैं, 5x 30 - y 6z इक्वल टू k, इस तरह क्वेश्चन को k के बराबर मान सकते हैं। तो मैं इसको 5 किसके बराबर कर सकता हूँ, k 1/x, क्योंकि इसको मैं अगर 1/x से मल्टीप्लाई करूंगा ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/x, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए। और ये क्या है 30, इसको मैं करूँगा इंटू 1 - 1/y से, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/y। और यहाँ पे मैं करूँगा जेड है 6z, तो 6 लिख लेता हूँ और ये हो जाएगा के 1/z, क्योंकि इसको अगर मैं 1/z से करूँगा ये 1 हो जाएगा और के की पावर 1/z, तो ये आ गया 6 × 5 कितना होता है 30। इसका मतलब क्या हुआ कि के 1/x इंटू के 1/z है वो किसके बराबर है, के -1/y के बराबर है, 5 × 30। और जब पावर सेम हो तो ये जुड़ जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/x और 1/y, और ये हो जाएगा -1/y। इस साइड लाएंगे तो ये इस रूप में चला जाएगा इक्वल टू, ये आ जाएगा 0, क्योंकि इस साइड जाएगा तो ये बाकी 0 बच जाएगा। तो आंसर क्या हुआ इसका, ए। अगला क्वेश्चन है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ क्यू एंड आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर मीट एट ओ, पी है उसका 70 डिग्री वैल्यू है, तो व्हाट इज द मेजर ऑफ क्यू ओ आर। देखो एक ट्रायंगल दी हुई है ये पी क्यू एंड आर, क्यू और आर ये दिया हुआ है, पी 70 डिग्री दिया हुआ है, पी 70 डिग्री दिया हुआ है, 70 डिग्री हमें बताना है, क्यू ओ आर, क्यू ओ आर इसकी वैल्यू हमें बतानी है। और ये बाइसेक्टर, तो इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, 90 + a/2, तो ये बीच वाला आ जाता है, ए इसमें क्या है 70 है, तो 90 + 70/2 मतलब 35 = 125। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए सबको, पता भी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:7, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ दीज टू ट्रायंगल। तो क्या है, देखो साइड मान लो ये है, इस साइड का स्क्वायर होता है, ये एरिया हो गया और ये एरिया हो गया, इसका एरिया 1 एरिया 2, तो इसका एरिया दिया हुआ 5:7, इसका साइड का रेशियो क्या होगा, साइड का रेशियो हो जाएगा x/y, तो ये हो जाएगा √5 और √7, मतलब इसको रूट में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए बी सी डी जे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम सच दैट ए डी ये पैरेलल है बी सी के। देखो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, क्या होता है वो, जैसे इस फॉर्मेट में होगा आइसोसेलेस, ये साइड पैरेलल, ये और ये बराबर, और मैं लिख दूं ए बी सी और डी, ए डी ये और बी सी पैरेलल है, और ए बी 5 है और ए डी 8 है, बी सी 14 है, और हमें बताना एरिया क्या होगा इसका। तो देखो अगर मैं इसको यहाँ पे लंब गिराता हूँ, ये 8 होगा तो ये भी 8 हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये दोनों बराबर है, तो कितना 8 से 14 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा, इसका मतलब 3 ये 5 ये, तो ये कितना होगा 4 पाइथागोरस ट्रिपलेट, 3, 4, 5 का कम्बिनेशन होता है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी 4। अब दोनों ये भी आ गए, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 14 + 8 = 22, और हाइट कितनी है 4 है, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस 22 × 44, इसका एरिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 68 नंबर है क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ बिगर सर्कल इज 1386, इसका 1386 दिया हुआ है, तो इसका एरिया स्मॉलर सर्कल का क्या होगा ये बताना है। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल आए, इस तरह से क्वेश्चन आए, तो बहुत आसान है, ट्रिक क्या है कि जितना बड़े वाला है उसका 9वां हिस्सा होता है छोटे वाला, 9वां हिस्सा करेंगे तो कितना होगा, ये 9 × 9 = 4, 9 × 9 = 45, 9 × 36 = 154 आ जाएगा इसका आंसर। अगर ये ट्रिक पता नहीं है, अगर 1/9 वाली ट्रिक पता नहीं है, तो क्या करेंगे आप, देखो इसको आप मान लो, वैल्यू पुट कर लो, इसको मान लो मैं 6 है ये,
और ये क्या होता है, ये सेंट्रोइड होता है और सेंट्रोइड 2:1 होता है, तो इसका मतलब ये 6 है, ये कितना हो जाएगा, टोटल 12 हो जाएगा, ये 6 तो ये भी 6 होगा क्योंकि ये तो और ये बराबर है, ये भी 6 और ऊपर वाली भी 6 होगी। अब देखो जैसे इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल थी, एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये डिस्टेंस 6 है, मतलब जैसे ये 18 थी विच केस में 6, तो ये इसका जो रेडियस वो कितना होगा, 2 होगा। इसका बड़े वाले का रेडियस 6 है तो छोटे वाले का 2 होता है, 3:1 के रेशियो में रेडियस होता है, 3:1 के रेशियो में रेडियस होता है, ये यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया इससे एग्जाम्पल से। तो देखो पाई आर स्क्वायर है और यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर है, अगर पाई से पाई कैंसिल दोनों का रेशियो, अगर ये आर स्क्वायर है तो ये कितना होगा, 1/3 होगा, तो 1/3 का आर का स्क्वायर, मतलब कि आर स्क्वायर डिवाइड बाई 9, ये आ गया ये रेशियो। अगर इसका ये दिया हुआ है 1389, तो इसका हो जाएगा इसका 1/9, इसका इसका, तो ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे। मतलब कि जब रेडियस आपको पता है तो आप उसको, जब रेडियस का पता है कि ये अगर 3 है तो ये 1 है, अगर ये 6 है तो ये 2 है, और आपको सेंट्रोइड का पता है, तो ये आराम से ट्रिक सीख सकते हैं। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या होगी, इसका अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ कि टेंजेंट, पहले तो मैं ये लिख लेता हूँ, टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय टेंजेंट स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं 45 रख लेता हूँ तो कितना 1 आ जाएगा यहाँ पे, और ये कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा साइन 45 1/√2 होता है, तो 1/2 हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और साइन का 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो 1/2 ऊपर है और नीचे भी 1/2 है, तो इसको 1/2 से 1/2 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, चीज का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया हुआ है हमें और हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो कोसेक को मैं लिख सकता हूँ 1/sin और सीकेंट को लिख सकता हूँ 1/cos, तो ये इस साइड जाएगा, ये इस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन और 3x-20° और कोस इस साइड जाएगा तो कोस 3y+20°। देखो अब कोस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 और माइनस ये वाले माइनस ये, तो ये कितना है 3y और माइनस होगा ये 20, तो 90 - 20 कितना होगा 70, और साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 3x और इस साइड आएगा तो ये प्लस 3y, 70 था ये इस साइड जाएगा तो 90 हो जाएगा, 20 जुड़ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी, x प्लस y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 कॉमन लूंगा मैं तो 3/2 मतलब 90/3 30 आ जाएगा। टेंजेंट 30 कितना है, x प्लस y 30° है, टेंजेंट 30 होता है 1/√3। अगला क्वेश्चन है 71, इफ कोट ए इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है और कोट बी दिया हुआ है, ये तो हमें बताना है कि इस कोट ए और ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। तो देखो कोट ए, ये तो बहुत फेमस फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला लगा देते हैं हम इसमें, कोट ए इंटू कोट बी माइनस वन, कोट बी प्लस कोट ए या कोट ए प्लस बी, आप कुछ भी लिख दिए, कोट ए ये लिख दिया मैंने। अब इस फॉर्मूले में मैं क्या करूंगा, ये रख देता हूँ, अगर मैं एन रखूंगा तो बड़ा लंबा खिंच जाएगा, इसलिए इसको शॉर्टकट बना देता हूँ मैं, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, एन की वैल्यू 1 रख देते हैं, 2 रख देते हैं, कितनी रख दो, एक ही आंसर आएगा। तो 1/2 अगर यहाँ पे रखूँ, एन की वैल्यू मैं रख देता हूँ 1 सिंपलिसिटी के लिए, तो ए और 1/2 1/2 हो गया, और ये 1/2 हो गया कोट ए इंटू कोट बी कितना हो 1/2, ये हो जाएगा 1 यहाँ पे, तो 1/3 और माइनस 1 है, और 1/6 - 1 कितना हो जाता है 5/6, ये मैंने ऊपर सोल्व कर दिया। नीचे क्या है, देखो नीचे है कोट ए प्लस कोट बी, कोट ए कितना है यहाँ पे 1/2 और 1/3, तो ये कितना होता है 5/6, माइनस 5/6 को 5/6 से भाग देंगे तो -1 आ जाएगा, आंसर क्या हुआ ए। आप यहाँ एन की वैल्यू 0 भी पुट कर सकते हैं, 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और फिर -1 रहेगा ऊपर तो, और नीचे क्या है ये 0, 1 0 हो जाएगा इसमें ये, और ये हो जाएगा 1, तो -1/1 आ जाएगा, तो आप वैसे भी सीधा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बार चार्ट गिवन बिलो शोज द सेल्स 13 टाइप ऑफ कार इन इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ओवर 4 ईयर, ऑल द सेल्स फिगर हैव बीन शोन इन टर्म्स ऑफ 1000 यूनिट। देखो 1000 यूनिट में दिखाया गया है और ये बार चार्ट है, और 4 सालों में 3 प्रकार की गाड़ियां हैं। 3 प्रकार की गाड़ियां कौन सी है, हैचबैक है, सिडान है और एसयूवी है, हैचबैक, सिडान और एसयूवी, ये उसके सिंबल हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कार हैज द हाईएस्ट इंक्रीज इन सेल्स फ्रॉम 2009 से लेकर 2012 2009 2012 सबसे ज्यादा इंक्रीज कौन सी हुई है? देखो ये 500 से 800 हुई है, ये 450 से 600 हुई है, और ये 150 से 750 हुई है। तो इसका जो ग्राफ सबसे लंबा गया है, तो आंसर क्या होगा? ये तीसरा क्या है? SUV, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट, सिंपल बताना है हमें ग्रोथ रेट इन सेल्स SUV। SUV मतलब ये वाला 2009 से 2012 तक, तो 150 से 750 गया, कितना इंक्रीज हुआ? ये 600 इंक्रीज हुआ है, 600 इंक्रीज हुआ है, कितने पे? 150 पे हुआ है, 100 पे कितना हुआ? 400% हुआ। और ये कितने साल में हुआ है? ये 2010 पहला साल हो गया, दूसरा और तीसरा, तीन साल में हुआ, तो 133.33 सी इसका आंसर हो जाएगा। ये सिंपल एनुअल ग्रोथ की एवरेज थी। अब देखते हैं, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ सिडान एंड टोटल सेल्स ऑफ एसयू ओवर द पीरियड ऑफ 4 ईयर। तो सिडान कौन सी? ये वाली। तो इन सब का जोड़ करना है, 450 और 500 कितना हुआ? 500 और 500 हजार, और आप इसको कर देते हैं 1525 और 1575। नहीं, 2175 नहीं होगा, क्योंकि देखो 625 और 575, 6 5 11 12 12 5 17 4 2150 हो जाएगा। ये 2150। दूसरे केस में क्या है? देखो ये 150 है, 250, 400 400 800 17 1550, कितना? 7 4 11 2 13 14 15 50। तो ये कितना पे? 5 से कट जाएगा, 31 आ जाएगा, 5 20 5 15, ये आ जाएगा 43:31 का रेशियो में। लास्ट क्वेश्चन है, इफ ऑल द थ्री कैटेगरीज इंक्रीजेस बाय सेम रेट इन 2013 ओवर 2012 एज दे डिड इन 2012 ओवर 2011, देन व्हाट विल बी द टोटल अप्रोक्सीमेट सेल्स ऑफ ऑल द थ्री कैटेगरी टेकन टुगेदर इन 2013। तो क्या बताया गया कि 2012 में जैसे इंक्रीज हुआ 2011 पे, वैसे ही 2012 और 13 का इंक्रीज है सेल्स में। बताओ 2013 की टोटल सेल्स क्या होगी? तो आप अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं, क्योंकि काफी आंसर दूर दूर है, तो इसलिए एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आप बड़े रूप में ले सकते हैं। देखो 450 से 800 इंक्रीज हुआ है, तो कितना हुआ? 150 इंक्रीज हुआ है, कितने पे? 650 पे। इतने जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, तो 800 पे कितना हुआ ये हमें देख लेते हैं। तो कितना हुआ? 5 15 13 आ गया, तो ये कितना चला जाएगा? ये चला जाएगा 13 6 78, 2 13 13, 3 1 3 3 18, 183 84 के आसपास ये आ गया है। ये कितना है? ये 575 से 625, मतलब 50 इंक्रीज हुआ, किस पे? 575 पे। तो 625 पे इंक्रीज कितना होगा? उसी रेट पे होगा 625 पे, 25 दुनी 50 25 दुनी 50 25 73, तो ये कितना हो जाएगा? 23 दुनी 46 और 23 7 161 54, 54 के आसपास ये आ गया। फिर तीसरा है 400 से 750 इंक्रीज हुआ है, तो कितना हुआ? 350 इंक्रीज हुआ, 350 कितने पे? 400 पे। 750 पे कितना होगा फिर? ये देखिए कितना हो जाएगा, 5 5 35 और 5 40, 8 8 72 और 3 है ये, तो 8 32 8 324 ले लीजिए, 8 32 ले लो, 7 क्योंकि अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं हम लोग, 728 और 7 63 2, 728 और 7 63 2 65, 658 आ गया है। तो देखो कितना हुआ, 658 600 800 900 के आसपास हो गए, अप्रोक्सीमेटली 900 हो गया, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 900 इंक्रीज हुआ है। तो ये पहले कितना था 2012 में? 2012 में है 800 और 715 1500 1500 2175, 2175 में 900 में अगर जोड़ देता हूँ तो लगभग 3000 के आसपास आएगा, 3075 के सबसे नजदीक यही है। तो आंसर क्या हुआ? सी। तो इस तरह से हमने सारे 25 क्वेश्चन कर दिए हैं, और ये क्वेश्चन पेपर आपको 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, और आपके 23-24 करेक्ट होने चाहिए। देखिए आपका स्कोर कहाँ पे रुकता है और कितनी आपकी प्रिपरेशन में कमी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।